बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए। आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे ए ए रिव्यूज चैनल के अंदर। आज इस ए रिव्यूज वाले चैनल के अंदर हम बात करेंगे कौन से जो आईपीओ हैं वो ओपन हो चुके हैं। नाइका आईपीओ, फिनो पेमेंट्स बैंक आईपीओ, सिगाची इंडस्ट्रीज आईपीओ, पॉलिसी बाजार आईपीओ, एसजेएस एंटरप्राइजेस आईपीओ, पेटीएम आईपीओ, इन सभी की ग्रे मार्केट प्रीमियम डेट आज 2 नवंबर को क्या चल रही है, मॉर्निंग का ये अपडेट है दोस्तों। साथ साथ इसी के अंदर इनकी सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या रही है, जैसे कि नाइका आईपीओ था उसका डे 3 कंप्लीट हो चुका है, फिनो पेमेंट्स का डे 3 आज है, साथ साथ सिगाची, पॉलिसी बाजार, एसजेएस और इनका जो डे 1 था उनकी क्या यहाँ पर सब्सक्रिप्शन स्टेटस रही है। इससे रिलेटेड सब्सक्रिप्शन स्टेटस को देखते हुए, ग्रे मार्केट को देखते हुए क्या इसके लिस्टिंग के आसार हमको देखने को मिल रहे हैं, तो ये सारी डिस्कशन आज करेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ साथ मेरे भाइयों के लिए जिनको एक पर्टिकुलर आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स देखनी है उनको नीचे वीडियो में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। टाइम स्टैम्प का मतलब होता है जैसे ही आप उस नीचे एरो के ऊपर लेके जाओगे जहां पर वो प्लेलिस्ट चलती होती है, जहां पर वो लाल रंग की जो हमारी लाइन चल रही है नीचे वीडियो के ऊपर, अगर आप उसमें से किसी भी टाइम स्टैम्प के ऊपर एरो को लेके जाओगे तो आपको बता देगा कि इस वाले सेक्शन में कौन से आईपीओ की डिस्कशन हो रही है, तो आप डायरेक्टली वहां पर स्किप भी कर सकते हो। मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो टाइम को न बर्बाद करते हुए जल्दी स्टार्ट करते हैं, एक फ्रेश अपडेट आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर हम डिस्कशन करें, हम देख सकते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर आता है नाइका आईपीओ। नाइका आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है आज की डेट लेटेस्ट 2 नवंबर के ऊपर वो चल रहा है 660 से लेकर 670 रुपए। अगर एक लोट के ऊपर प्रॉफिट के अंदर हम देखना चाहें तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना डायरेक्टली 12 से, क्योंकि 12 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि 12 के अंदर आपको निकल के आएगा एक लोट का जो शेयर है वो 12 है इसके अंदर, तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आता है 8040 रुपए, मतलब 8040 रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट आपको आज की डेट में देखने को मिल रहा है, जो कि काफी बेहतरीन एक लोट के ऊपर दोस्तों। ये 1 लोट का प्राइस बता रहा हूँ, एक लोट के ऊपर आपको 8040 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नाइका आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस की, तो नाइका आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है वो आज की डेट में देख सकते हैं आप, जो फाइनल उसका डे 3 कंप्लीट हो चुका है। मतलब अब अगर आप देखें तो QIB कैटेगरी जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं उसने इसको 91.18 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब कर दिया दोस्तों, 91 टाइम्स, मतलब कि एक लोट के लिए यहाँ पर 90 लोग ऑलरेडी बैठे हैं, मतलब 90 लोगों ने QIB के अंदर, QIB मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये बहुत बड़ी कैटेगरी थी दोस्तों अपने आप में, और 75% जो हिस्सा था मेन इस कंपनी का वो तो इनके लिए बुक किया गया था सिर्फ। अब बात करें NIA कैटेगरी तो 112 टाइम्स, मतलब 112 टाइम्स इसके अंदर अप्लाई किया गया। मैंने जो एक वीडियो बना रखे दोस्तों, अगर आपको 100% एक लोट की जो अलॉटमेंट चाहिए होती है तो उसमें आप क्या करें, वो आई बटन पे आपको मिल जाएगी, उसमें मैंने बताया कि कैसे NIA कैटेगरी से अप्लाई करके आप अपना एक लोट गारंटेड कर सकते हो। तो इसके लिए एक लोट के लिए आपको यहाँ पर आप देख सकते हो 112 टाइम्स आपको यहाँ पर लोट्स का अप्लाई करना पड़ेगा जब जाके आपको एक लोट यहाँ पर मिलेगा, तो काफी बड़ी ये निकल के आती है अपने आप में अमाउंट, और साथ साथ में इसमें HNI कॉस्ट भी काफी ऊपर आ जाएगी, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बल्कि काफी अच्छी चल रही है HNI कोस्ट के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव संकेत है, ये जो शेयर्स है वो बिल्कुल ऊपर जाने की ही यहाँ पर संकेत दिखा रहा है हमें, इसे जो लिस्टिंग है वो काफी ऊपर होने की ही संभावना यहाँ पर दिख रही है। साथ साथ में बात करते हैं हमारी प्यारी कैटेगरी जो मैं और आप मिलके बनाते हैं, वो आती है दोस्तों हमारी रिटेल कैटेगरी, जिसके अंदर की 12.22 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है, मतलब एक लोट के ऊपर 12 लोग ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। मतलब अगर आपको चांसेस बढ़ाने हैं, अगर आपने एक डीमैट से अप्लाई किया है तो 12 में से आपको चांस मिलेगा, मतलब 1/12, मतलब ये आपका चांस हो जाता है आईपीओ में अलॉटमेंट का। अगर आपने 2 लोट से अप्लाई कर दिया है अलग अलग डीमेट से तो आपके सीधे और बढ़ जाएंगे चांस, 1/6 हो जाएगा आपका यहाँ पर अलॉटमेंट सीधा ही, और अगर आपने 3 से कर दिए हैं तो और भी, मतलब इस तरीके से जितने जितने आपने लोट से किए, मैंने जो तरीका बताया था अपने इस वीडियो में, अगर आप आईपीओ बटन पर चेकआउट करेंगे उस वीडियो में मैंने साफ साफ बताया था कि किस तरीके से आप अपने अलॉटमेंट चांस को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, अगर आपने उसको यूज किया है तो आपको काफी बेहतरीन यहाँ पर फायदा मिल रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे दोस्तों यहाँ पर NIA इंटरेस्ट कॉस्ट इन्होंने निकाल के दिखाई है 205 रुपए, इसको अगर ऑलमोस्ट मान के चले तो यहाँ पर अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इससे बहुत ज्यादा है, मतलब 205 का मतलब 3 गुना यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रही है। HNI को यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है, जो बड़े इन्वेस्टर को जो फायदा दिखता है तो ऑब्वियस बात है दोस्तों वो शेयर जो आपका वो रुकने ही नहीं वाला है, वो टॉप पे ऊपर जाने ही वाला है। अभी देख सकते हैं टोटल जो है ये 81.78 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, हमको टोटल से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, हमें सिर्फ मतलब है कि आपने किस कैटेगरी में अप्लाई किया है। QIB में तो आपने अप्लाई किया नहीं होगा, इसी गारंटी मैं देता हूं। NIA में आपने अप्लाई किया है तो अगर आप देख सकते हैं 112 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है, अगर रिटेल कैटेगरी में दिया तो आपको 12.22 टाइम्स ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट आईपीओ की, जो हमारे लिस्ट में आता हुआ है फिनो पेमेंट्स बैंक आईपीओ दोस्तों। इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 2 नवंबर को चल रही है 0.0, मतलब अभी तक इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई ट्रेड्स कोई भी यहाँ पर प्रीमियम देखने को बिल्कुल नहीं मिल रही है। अगर इसकी डे 2 की सब्सक्रिप्शन चेक
चेक की जाए तो आप देख सकते हैं क्यूआईबी में, क्यूआईबी ने इसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट अब तक नहीं दिखाया है। एनआईआई ने इसको 0.10 टाइम सब्सक्राइब किया है जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही कम है मतलब एनआईआई के हिसाब से, लेकिन हो सकता है लास्ट डे इसके अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिले। रिटेल कैटेगरी भाइयों ने इसको ऑलरेडी 4.65 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब कर दिया है, मतलब 5 गुना ही ऑलमोस्ट सब्सक्राइब हो चुका है यहाँ पर देखा जाए तो फिनो पेमेंट्स बैंक को 5 टाइम ओवर सब्सक्राइब कर दिया है। लोगों के पास जिनके पास इनफ फंड्स है उन्होंने भी इसके अंदर अप्लाई करने की कोशिश की है। तो इसी के तौर पर अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर है नहीं, तो उसके लिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है, बट अभी तक जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है डेट होगा वो इतना बेहतरीन नहीं आया जितना नाइका का है, पर भी देखते हैं दोस्तों, डिपेंड करता है कि मार्केट उस दिन कैसा रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करने वाला हमारा फिनो पेमेंट्स बैंक का जो है लिस्टिंग है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में आता है दोस्तों सिगाची आईपीओ। सिगाची आईपीओ जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रही है वो 160 रुपए चल रही है, काफी बेहतरीन अपने आप में ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रही है। 90 सीसी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों एक लोट के अंदर 90 यहाँ पर शेयर है, राइटिंग को प्लीज इग्नोर कर दीजिए, मेरी राइटिंग है ही ऐसी कुछ। अब इसके अंदर अगर मल्टीप्लाई करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों हमारे पास निकल के आ रहा है दोस्तों गजब ढा दिया यहाँ पर, ये डबल मनी आपने कर दिया है इसने, ये निकल के आ रहा है आपके पास 14,400 रुपए। तो यहाँ पर इसने गजब ढा दिया दोस्तों, इसने कमाल कर दिया है। आपकी जो अमाउंट 14,000 आप इसमें लगाओगे उसने 14,000 का 14,400 तो इसने फिर प्रॉफिट में आपको दे दिया है। सिगाची बहुत बेहतरीन आईपीओ है दोस्तों, मेरी लिस्ट चेकआउट कीजिए, नाइका के बाद दूसरे नंबर पर मैंने अपनी सिगाची आईपीओ रखा था, मैंने यहाँ पर आई बटन भी वीडियो दी हुई है उसके अंदर, तो मैंने यहाँ पर सिगाची को नंबर 2 पे रखा था, इसलिए नंबर 2 पे रखा दोस्तों, कितना बेहतरीन आईपीओ होने वाला है इसके कारण ये नंबर 2 पे आया था। सब्सक्रिप्शन ट्रेंड इसका देखा जाए, डे 1 का सब्सक्रिप्शन देखो रिटेल कैटेगरी ने ऑलरेडी दोस्तों 16.81 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब कर दिया इसको, बहुत जबरदस्त यहाँ पर इसका सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, अपने आप में काफी बेहतरीन ये होने वाली है। इतना जबरदस्त सब्सक्रिप्शन जब अगर आपको देखने को मिल रहा है डे 1 के ऊपर तो आपको क्या ही चाहिए। यहाँ पर क्यूआईबी ने भी ऑलरेडी इसको हाफ फिल कर दिया है, पीछे बिल्कुल भी नहीं रही है, एनआईआई ने भी इसको 4.44 टाइम्स इसको ओवर सब्सक्राइब कर दिया है। फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन अभी तो 2 दिन और बाकी है, देखते हैं क्या होने वाला है इसके अंदर। ये होगी बात हमारी सिगाची आईपीओ दोस्तों, आपको बता दिए एक लोट के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर 14,400 रुपए का कुछ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, बहुत बेहतरीन प्रॉफिट है। आपने अगर अप्लाई नहीं किया तो डेफिनेटली इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको अलॉटमेंट चांसेस में बढ़ाने हैं तो मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ, वीडियो भी इसके ऊपर दे दी गई है, अगर आपको अलॉटमेंट चांस बढ़ाने हैं तो प्लीज प्लीज अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर जल्द से जल्द डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। जितने ज्यादा डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे रिटेल कैटेगरी में आपके अलॉटमेंट चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप एनआईआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन में आई बटन पर दोबारा दे दी गई है, वीडियो बनाई है बहुत बेहतरीन, उसको भी जरूर चेकआउट कीजिए। इस लिस्ट में नेक्स्ट आईपीओ आता है दोस्तों हमारा पॉलिसी बाजार का आईपीओ। पॉलिसी बाजार आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम आज की डेट पर 90 रुपए चल रही है, 90 रुपए अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, क्योंकि 15 हमारे एक लोट में कितने शेयर्स हैं वो हमको दर्शाता है यहाँ पर, तो 15 से मल्टीप्लाई करने पर 90 हमारे पास निकल के आता है। यहाँ पर 1350 रुपए निकल के आ रहा है दोस्तों, 1350 रुपए काफी ज्यादा अमाउंट नहीं है, इसीलिए मैंने जो पॉलिसी बाजार है उसको अपनी लिस्ट के अंदर नीचे रखा था। अगर आपने वो लिस्ट नहीं चेकआउट किया तो जरूर एक बार उस वीडियो को चेकआउट कीजिए, बेस्ट आईपीओ टू अप्लाई टुडे नाम से उस वीडियो का टाइटल है, वो आई बटन पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसे मैंने लिस्ट बताई थी कौन से आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, इतने सारे आईपीओ दार के, तो बिल्कुल उस लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो रहा है। 1350 रुपए कम नहीं है दोस्तों, आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है, एक अच्छी कंपनी है पॉलिसी बाजार बट एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर जीएमपी वगैरह कम देखने को मिल रहा है। यहीं पे सिगाची आईपीओ पॉजिटिव कंपनी है, काफी बेहतरीन कंपनी है, इसलिए इतना अच्छा हमको यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रही है। सब्सक्रिप्शन स्टेटस पॉलिसी बाजार की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर ये 0.56 टाइम्स डे 1 पे सब्सक्राइब हुआ है। एनआईए कैटेगरी ने थोड़ा सा कम इंटरेस्ट इसमें दिखाने को लिया है, क्योंकि इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है एनआईए कैटेगरी। यहाँ पर रिटेल कैटेगरी ऑलरेडी 1.1 टाइम्स से सब्सक्राइब हो चुकी है, ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है, ओवर सब्सक्राइब बोलना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि 1.18 टाइम्स एक से ऊपर निकल चुका है। टोटल जो है 0.43 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुई है, कोई फायदा नहीं है, ओवर सब्सक्राइब नहीं हुई है अभी टोटली ये, बट देखा जाए तो क्यूआईबी कैटेगरी ने अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है। और रिटेल कैटेगरी जैसे आपको पता है नॉर्मली काफी कम रखी गई, क्योंकि 10% रखी जाती है, अगर आपको किसी शेयर जो लॉस मेकिंग कंपनी होती है उसके अंदर जो रिटेलर्स उनके लिए ओनली 10% जो कोटा वो बुक किया जाता है, तो उस हिसाब से सही एकदम ओवर सब्सक्राइब हो रही है। अब वहीं पर अगर देखा जाए तो दोस्तों इसका भी जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है वो बहुत ज्यादा खास नहीं है, बट हाँ इट इज गुड, मतलब ओके इसको हम बोलेंगे ओके ओके सब्सक्रिप्शन स्टेटस डे 1 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जीएमपी भी इसकी ओके ओके है दोस्तों, काफी ज्यादा बेहतरीन नहीं बोलूंगा मैं तो इसी के हिसाब से, लेकिन मार्केट पर डिपेंड करता है दोस्तों किस तरीके का रहने वाला है। लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका लिमिटेड फंड्स है तो आपको पॉलिसी बाजार में लगाने का कोई जबरदस्ती नहीं है, आप प्लीज प्लीज नाइका और सिगाची के साथ जाइए। अभी नाइका तो क्लोज हो चुका है, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं लगाया तो सिगाची को तो जरूर जरूर कंसीडर कीजिए दोस्तों। अगर आपने सिगाची में लगा दिया, सिगाची लगाने के बाद अगर आपके पास फंड्स बचते हैं तो आप पॉलिसी बाजार के लिए आ सकते हो, 1,000-2,000 का बेनिफिट हो तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आईपीओ लिस्ट के अंदर हमारे पास निकल के आता है एसजीएस एंटरप्राइजेस। अभी तक ग्रे मार्केट में कोई ट्रेड्स देखने को नहीं मिले हैं एसजीएस में, देखा जाए तो क्यूआईबी ने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, एनआईआई ने भी कुछ ज्यादा खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, यहाँ पर रिटेल कैटेगरी ने भी खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया दोस्तों। डे 1 के अंदर ये भी फुली सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं एसजीएस को, 0.64 टाइम्स ही ओवर सब्सक्राइब हुआ है, ये ओवर सब्सक्राइब ही नहीं हुआ ऑलरेडी यहाँ पर, सॉरी 0.64 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है ये, तो इसके साथ इसका भी जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस होगा ज्यादा खास देखने नहीं मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ की है नहीं तो वन लोट की जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है वो यहाँ पर नहीं है निकल पा रही है। लास्ट में बात करते हैं हमारे प्यारे पेटीएम आईपीओ की, अगर पेटीएम आईपीओ के अंदर आपको कैलकुलेशन चेक करनी है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक नहीं उभरा है इसका। जैसे बताया जा रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी कोल्ड स्टोरेज में लोग नहीं पंगे ले रहे दोस्तों, अभी तक पेटीएम आईपीओ में डेट में जो है काफी ज्यादा अभी टाइम बाकी है, इसलिए इसकी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी कोई
पंगे नहीं ले रहा है, जब जैसे जैसे पास में आएंगी इसकी डेट वैसे वैसे करे मार्केट के अंदर ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, जैसे जैसे ट्रेड देखने को मिलेंगे आपका भाई आपको बताता रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने काफी सारी डिटेल्स आपको एक साथ प्रोवाइड की है, लेटेस्ट अपडेट्स आपको एक साथ प्रोवाइड की है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए, वीडियो करनी है लाइक, क्योंकि अगर इस वीडियो के अंदर आपको दी गई जो अपडेट्स हैं अच्छी लगती हैं तो आपको वीडियो लाइक करना हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।